प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, चरने की ओर हमारी यात्रा में आज 22वां दिन पर हमारे मनोचिंतन के लिए माता कलीसिया ने संत मत्ती के सुसमाचार से एक पाठ को दिए है, जहां प्रभु यीशु हमसे कहते हैं, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। संत मत्ती का सुसमाचार विशेषकर यरूशलेम के क्रिश्चियों के लिए लिखा गया था। वे यहूदी थे जिन्होंने यीशु पर विश्वास किया, इसलिए मत्ती के अनुसार यीशु एक नए मूसा है, एक नए नियमदाता है। यीशु ने प्रेम का नियम दिया जो मूसा द्वारा दिए गए नियम को अधिक गहरा बनाता, उसकी जड़ तक जाता और उसकी पूर्ति करता है। यीशु ने उन नियमों को नहीं रद्द किया, ना उन्हें हटाने की कोशिश की। उन्होंने उनके भीतरी मतलब तथा व्यक्ति के मनोभाव पर अधिक जोर दिया, जबकि यहूदियों के नियमों का जोर उनके बाहरी कार्यों पर था। यीशु उद्देश्य की शुद्धता पर जोर देते हैं। क्रिसमस हमसे कहता है, ईश्वर मानव बन गया है। अतः ईश्वर को कहीं मां खोजने के बदले हम सबको अपने भाई बहनों में उसकी खोज करनी चाहिए। इसलिए हम अपने पड़ोसियों की सेवा, आदर और प्रेम करने में अपने जीवन का सारा समय व्यतीत करें। यही धार्मिकता को अपनाते हुए हम क्रिसमस के लिए तैयारी करते रहें। क्रिसमस आनंद मनाने का समय है। यह आनंद तभी मिलेगा जब हम अपने प्रेम को तथा अपने को दूसरों के साथ बांटते हैं।